हेलो, वेलकम टू द शो मोबाइलॉजी। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक, चलिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोना। दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ग्रिफिथ बेसिकली साइंटिस्ट, और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे थे। बेसिकली ये वैक्सीन बनाना चाहते थे निमोनिया के लिए, पॉजिटिव एजेंट निमोनिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनियाई जो भी कह लीजिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया जो उस निमोनिया कॉज करता है, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे। तो बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर मीडियम पर ग्रो कर सकते हैं लैब में। तो इन्होंने जब कल्चर मीडियम पे ग्रो किया लैब में बैक्टीरिया को, तो देखा दो तरह की कॉलोनी है, स्मूथ कॉलोनी और रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी शाइनी और रफ कॉलोनी रफ। स्मूथ प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनीज, प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज। हैव अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट, डू नॉट हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट, इसमें नहीं था, उसमें था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रिपोर्टेड इन 1928 में बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सजेस्टिंग दैट बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे इस बात को बल मिला कि बैक्टीरियल सेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, आनुवंशिक जानकारी को आगे ट्रांसफर कर सकता है एक सेल से दूसरी सेल में, किसके माध्यम से, और वो माध्यम होगा डीएनए, जो हम लोग आगे देखेंगे। बैक्टीरिया अनुवंश की जानकारी को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर सकता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। निमोनिया वॉज अ सीरियस कॉज ऑफ डेथ एंड ग्रिफिथ्स वॉज स्टडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ वैक्सीन। निमोनिया रेस्पिरेटरी डिजीज है, निमोनिया अपने आप में एक सीरियस कॉज, बहुत ज़्यादा उस समय घातक बीमारी थी, और ग्रिफिथ्स साहब उसकी बनाना चाहते थे वैक्सीन। ग्रिफिथ यूज द टू स्ट्रेन्स ऑफ निमोनिया, निमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोकोकस बोल दिया है बैक्टीरिया, विच इन्फेक्ट माइस, जो इन्फेक्ट कर सकते थे, माइस को संक्रमित कर सकते थे। एस स्ट्रेन वॉज विरुलेंट, विरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग, जिसमें डिजीज कॉज करने की क्षमता हो। एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया विच वॉज नॉन विरुलेंट, आर स्ट्रेन डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं रखता था। तो इन्होंने कॉलोनी डेवलप करी, कॉलोनी बनाई, उसमें दो तरह की कॉलोनी बनी, रफ और स्मूथ। स्मूथ कॉलोनी जो थी वो विरुलेंट नेचर की थी, वो डिजीज कॉज कर सकती थी, और आर कॉलोनी, रफ कॉलोनी डिजीज कॉज नहीं कर सकती थी। द एस स्ट्रेन सिंथेसाइज द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल दैट प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। कारण क्या है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड कोट बन गया, उस कोट की वजह से शाइनी अपीयरेंस आ रही है, और उस कोट की वजह से माइस का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को मार नहीं पा रहा। जो उसकी फौज आ रही है मारने, एंटीबॉडीज वगैरह, वो इसको मार नहीं पा रही, क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है। वेयर एज जो दूसरा स्ट्रेन है हमारा, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसके चारों तरफ ये कवरिंग है नहीं, नेकेड है, तो उसको जो इम्यून सेल्स आ रही हैं इम्यूनिटी वाली, वो उसको ख़त्म कर दे रही है, ये कारण है। द एस स्ट्रेन सिंथेसाइज द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल दैट प्रोटेक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द होस्ट, वाइल द आर स्ट्रेन डिड नॉट हैव द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल एंड वॉज डिफीटेड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, चलिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया फ्रॉम अ एस स्ट्रेन वर किल्ड बाय हीट एंड देन रिमेन्स वर एडेड टू द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किल कर दिया गर्म करके, और उसमें जो उसके अवशेष बचे उसको ऐड किया आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया के साथ। वाइल नाइदर एलोन हार्म द माइस, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, माइस को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा, माइस जिंदा बना रहेगा। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अलोन अगर हम उसका इंजेक्शन लगा रहे हैं, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, माइस जिंदा बना रहेगा। देखिए क्या किया इन्होंने, इंजेक्ट किया किसको, हीट किल्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया माइस में निमोनिया कर रहा था, माइस मार रहा था, उस बैक्टीरिया को इन्होंने हीट करके गर्म करके मार दिया, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब माइस में इंजेक्ट किया, माइस जिंदा बचा रहा, मारा नहीं। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अकेले अकेले इन्होंने जब लाइव को इंजेक्ट किया, माइस मारा नहीं, माइस जिंदा बना रहा। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का रेमनेंट्स कह लीजिए, कुछ उसके अवशेष कह लीजिए, रिमेन्स ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उसको इन्होंने आर स्ट्रेन लाइव के साथ इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस निमोनिया से मर गया।
Griffith concluded that the R strain has been transformed into the lethal strain S strain by transforming principle that some of part of the dead S strain bacteria. Griffith ने यह conclusion निकाला कि भाई heat killed S strain bacteria से कोई चीज transfer हुई है live R strain में जिसने R strain को बदल दिया है S strain में. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो देखिए यहाँ पे पैरा ये रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन विरुलेंट है, जब इसको इंजेक्ट कर रहे हैं माइस जिंदा बना रहा, माइस में निमोनिया नहीं हुआ. स्मूथ एस स्ट्रेन, जब इसको इंजेक्ट किया माइस मर गया, खत्म हो गया, माइस डाइड. हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को किया तो माइस जिंदा बना रहा, नहीं मरा. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन अलॉन्ग विद आर स्ट्रेन लाइन, जब उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस फिर से मर गया, खत्म हो गया. ठीक, तो इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई हीट किल्ड बैक्टीरिया से कुछ ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन में और उसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दिया. ठीक है, टुडे आज की तारीख में हम जानते हैं दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच ग्रिफिथ ऑब्जर्व वॉज डी एन ए. आज की तारीख में हम जानते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, वो डी एन ए था ऑफ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. वाइल द बैक्टीरिया हैड बीन किल्ड द डी एन ए हैड सर्वाइव. बैक्टीरिया तो किल कर दिया गर्म करने पर, लेकिन डी एन ए सर्वाइव हो गया हीटिंग प्रोसेस एंड वॉज टेकन अप बाय द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा अंदर ले लिया गया. द एस स्ट्रेन डी एन ए कंटेन्स द जीन दैट फॉर्म द स्मूथ प्रोटेक्टिव पॉलीसेक्राइड कैप्सूल. एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में वो जीन था जो जीन म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोट बना रहा, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल बना रहा. इक्विप्ड विद दिस जीन, अब वो जीन आ गया आर स्ट्रेन में. द फॉर्मर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वर नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड कुड किल द होस्ट. द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज वेरीफाइड इन द एक्सपेरिमेंट डन बाय ओसवाल्ड एवेरी, मैक्लॉयड एंड कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, आफ्टर दैट हर्शी एंड चेस. तो इस चीज़ को साबित किया कि डी एन ए होता है, किसने साबित किया, एवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने. ग्रिफिथ इफेक्ट क्या है, ग्रिफिथ इफेक्ट हमारा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ इफेक्ट है. इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माइस डाइड, माइस कब डाइड हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, नहीं हीट किल्ड एस स्ट्रेन से डाइड नहीं हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन कंबाइंड विद आर स्ट्रेन लाइव, इससे डाइड हुआ. प्रायर टू द मैक्लॉयड मैकार्टी और एवेरी 1933-44 से पहले जेनेटिक मटेरियल क्या माना जाता था, लोगों की ये सोच थी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, जो बाद में एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ प्रोटीन नहीं है. इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स विच वन इज रेफर्ड एज ग्रिफिथ इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो गया, फिनोटाइप बदल गया, जब एक कोई मटेरियल ट्रांसफर हुआ एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में, तो वो जेनेटिक मटेरियल ने इस बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उसका फिनोटिपिक इफेक्ट बदल दिया. तो ये था आपका हर्ष ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, किसका, हम लोग के ग्रिफिथ साइंटिस्ट का. तो अगली क्लास में हम लोग एल्फर्ड हर्शे मार्थर चेज एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड लक.